फ्रेंड्स वेलकम बैक माई चैनल दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर दोस्तों सेट टू दोस्तों ठीक है विशेष तो आपका हिंदी है ठीक है दोस्तों आपको क्या है देखिए पुनांग बच्चों आपका प्रयास नंबर का जो पुनांग है ठीक है दोस्तों क्वेश्चन आपका अढ़ाई नंबर दोस्तों ठीक है तो बच्चों का दो क्वेश्चन बनाइए तो आपका पांच नंबर हो जाएगा चार बनाएगा दोस्तों आपका दस नंबर दोस्तों ठीक है बहुत बच्चा सिंपल दोस्तों, दोस्तों सारे ठीक है बच्चे पहले क्या करना आपको थ्योरी पूरा पढ़ना है इसको ठीक है थ्योरी पढ़ने के बाद वहाँ क्या करना है आंसर को देना ठीक है बच्चों थ्योरी तो आप अपने से पढ़ लीजिएगा स्क्रीन ले लीजिए इसको ठीक है बच्चों आंसर में पूरा आपको दे रहा हूँ नीचे ठीक है दोस्तों चलते हैं आगे क्या कि राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म किस जिले में हुआ था उसका ठीक है पहला ऑप्शन क्या है आपको जिया दे दी दूसरा ऑप्शन सारण तीसरा ऑप्शन चंपारण चौथा ऑप्शन गोपालगंज के दोस्तों ठीक है तो बच्चे राजेंद्र जी का जन्म बच्चों कहाँ हुआ था आपको मालूम है सारण में हुआ था बच्चों ऑप्शन में दूसरा आपको सही मारना सारण दोस्तों ठीक है सारण को मार दिया सही दोस्तों ठीक है चलते दो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से क्वेश्चन नंबर आप दूसरा ऑफर बोरा क्या समझिए कि राजेंद्र प्रसाद भारत के कितने राष्ट्रपति थे बच्चों बोल रखिए भारत का केवल नंबर राष्ट्रपति था राजेंद्र प्रसाद दोस्तों ठीक पहला ऑप्शन आपका पहला ठीक है दूसरा ऑप्शन आपका दूसरा तीसरा देश ठीक है तीसरा ऑप्शन सबका क्या है दूसरा है चौथा ऑप्शन चौथा दिवस दोस्तों ठीक है तो बच्चों को मालूम होगा कि राजेंद्र प्रसाद जो है भारत का राष्ट्रपति थे बच्चों पहला नंबर था पहला का पहला मारना आपका ठीक है तो पहला ऑप्शन सही होगा चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा समझिए तो क्या बोला समझिए कि प्रसाद जी के चरित्र की मुख्य विशेषता थी बच्चों प्रसाद जी का मुख्य विशेषता तो क्या था पहला ऑप्शन आपका भारतीय संस्कृति एवं समान्य जनता के प्रतिनिधि ठीक थी, है दूसरा बोला क्या सरल जीवन और ऊंचे विचार तीसरा ऑप्शन है गांधी जी के अनुयाय चौथा बच्चों इनमें से सभी दोस्तों यानी कि उपरोक्त सभी दोस्तों ठीक है बच्चे का सही हो जाएगा चौथा बच्चों के बच्चों, के बच्चों का समझेगा गांधी जी का अनुवाय भी था बच्चों था कि प्रसाद जी समझेगा ना और सरल जीवन के ऊंचे विचार भी थे प्रसाद दोस्तों तीसरा था कि भारत संस्कृति और सामान्य जनता के प्रतिनिधि भी थे बच्चों सभी उपयोग सही से चौथा मारेंगे दोस्तों ठीक है जब आपका देखिए थ्योरी वहाँ पर दिया दोस्तों थ्योरी का सब क्या करें तो कॉपी में नोट डाउन करते जाए ठीक है बच्चे हर एक प्रश्न को जो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए आप ताकि बच्चे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पक्का भिड़ेगा हमसे आप ठीक है तो बच्चे कॉपी में नोट डाउन जरूर करते जाए आप वीडियो को लास्ट देखिए आपको वीडियो को कहीं भी स्किप दोस्तों नहीं कीजिएगा आप लोग ठीक है चलते दोस्तों दूसरा उस क्वेश्चन और आप कि प्रधानाध्यापक के पास बीमारी के कारण अवकाश हेतु लिखे गए, लिखे गए इन प्रार्थना पत्र के छूटे छु, के हुए अंश को भरिए जो प्रश्न संख्या चार पाँच तथा छः के रूप में बॉक्स में कर्म किंत है बच्चों ठीक है दोस्तों जहां जहाँ आपका खाली जगह वहाँ क्या कहना आपको भरना है तो जो पहला ऑप्शन क्या आपका चार में क्या भरेगा तो सेवा में तो ठीक है चौथा में क्या भरेगा सेवा में जो चार ऑप्शन के आप नीचे को दिया हुआ चौथा के क्या भरेगा आपका सेवा में दूसरा ऑप्शन सजेस्ट होगा ठीक है सेवा में दोस्तों चलते हैं फिर क्या यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा विषय विषय क्या होगा आपका यहाँ पर आएगा विषय बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पद दोस्तों दोस्तों में बहुत सारे लेटर भी आपको दे चुका हूँ जाके देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया दोस्तों ठीक है इसमें भरा जाएगा पहला ऑप्शन सजेस्ट होगा विषय दोस्तों ठीक है छठा से क्या समझ दो छठा में बोला गया क्या कि यार यहाँ क्या भरेंगे दोस्तों कि निवेदन महोदय दोस्तों चौथा ऑप्शन आपका सही होगा महोदय ठीक है महोदय से तो भरा चौथा ऑप्शन सही सौ छठा का चौथा सौ ठीक है चलते सो ने तो क्वेश्चन नंबर रहा है तीसरा तीसरा हम क्या समझते हैं बोरा कि इसको पूरा तो कैसे ही आप ठीक है थीके? क्या करना पूरा कौन आपको पढ़ना है ठीक है पढ़ने के बाद क्या करना सेवन और एट नंबर जो क्वेश्चन बचा है दोनों का उत्तर को चुनकर आपको लिखना है ठीक है चले सो पहले इसको पढ़ते हैं हम लोग ठीक है बोरा कि अनुशासन हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है जिसके जिसके सहारे हम कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं जिस व्यक्ति का जीवन में अनुशासन नहीं होता है नहीं होता उस व्यक्ति का जीवन काफ़ी खुशहाल नहीं होता है प्रकृति भी सभी कार्य अनु अनुशासन में ही करती है अनुशासन का विद्यार्थी जीवन में अत्यंत महत्व तो होता है दोस्तों ठीक है जहाँ जहाँ हम जो कुछ सीखते हैं वह हमारे साथ हमेशा रहता है अनुशासन के अंदर 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 बड़ों ठीक है अंदर बड़ों बड़ों का सम्मान छोटे का प्यार स्त्रियों का आदर सम, समय का पाबंदी नियमों का पालन शिक्षकों का वादन आदि शामिल है थोपे गए अनुशासन के अनु आंतरिक अन, अनुशासन ज्यादा प्रभावकारी है दोस्तों ठीक है आपका यह पूरा क्या क्या, क्या, क्या? क्या पढ़ लिये अच्छा, आप पढ़ लीजिए इसको ठीक है बच्चे आपका यह था पैसेज पूरा पढ़ लिया ठीक है अनुशासन के बारे में पैसे दोस्तों पैसे पूरा पढ़ने के सात नंबर जो आंसर आपको देना ठीक है तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है समझिए कि पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या बार साथ में दोस्तों कि अनुशासन का महत्व कब सबसे ज्यादा हो है बच्चों पहला क्या है गृहिणी जीवन में कि विद्यार्थी जीवन में तीसरा समय जीवन में चौथा वन जीवन दोस्तों तो बच्चों इसका सही हो जाएगा आपके लिए विद्यार्थी जीवन को ज्यादा जरूरत पड़ता है अनुशासन दोस्तों ठीक है समझेगा ना चल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर एट दोस्तों क्या समझिए एट में क्वेश्चन क्या कह रहा है सो अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है दोस्तों ठीक पहला क्या है बड़ों का सम्मान दूसरा समय की पाबंदी तीसरा शिक्षकों का आदर उपरोक्त सभी दोस्तों ठीक है तो बच्चा आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि इसके चार चारों तीनों बच्चों को जरूरी है ठीक है चौथा सीरीज सही मारेंगे ठीक है समय का पाबंदी भी जिसमें जरूरी है ठीक है अनुशासन में दोस्तों बड़ों का समान भी जिसमें जरूरी है शिक्षकों का आदर भी जिसमें जरूरी है ठीक है तो चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी दोस्तों ठीक है चलते सुनने दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका है नाइन दोस्तों समझिए बोला कि हुडरू का जल प्रांत किस नदी पर है बच्चों ठीक है हुड्रू का जल प्रांत किस नदी पर दोस्तों ठीक पहला ऑप्शन आपका दमोदर है दूसरा ऑप्शन कोयल है ठीक है स्वर्ण रेखा ठीक है चौथा बच्चे का है संख दो ठीक है तो, तो चलो इसका साइंस इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा सुस्वर्णा सुस्व रेखा तीसरा बच्चों तो 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 आपको ठीक है चलो क्वेश्चन आपका दस दोस्तों क्या समझिए बोल रहा है दस तो कि आप राजीत की अपराजित की लेखिका कौन है बच्चों अपराजित बच्चों आपका जो कहानी बच्चों जो है ठीक है तो उसका लेखक लेखक दोस्तों कौन है ठीक है ठीक है पहला ऑप्शन आपका शिवानी है दूसरा ऑप्शन का महादेवी वर्मा है तीसरा निर्मल सुमित्र कुमारी चौहान दोस्तों ठीक है सुभद्र कुमारी चौहान दोस्तों ठीक है तो बच्चे इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा आपको इसको किताब से पढ़ कर अपने लगा लीजिए जो ठीक है आप आपकी कमेंट बॉक्स में इससे कमेंट किए जो ठीक है इसका बच्चों सही आंसर आपका क्या होगा ठीक है बच्चे इसका आंसर तो हम आपको नहीं बता सकते हैं ठीक है आप अपने से कर लीजिए इसको कोई दिक्कत नहीं ठीक है नहीं हो तो बच्चों को दीजिए मैं ग्यारह समझ समझिए कि रमचरित मानस किस भाषा में लिखी गई दोस्तों है पहला क्या है ब्रज भाषा में दूसरा अवधि भाषा में तीसरा हिंदी में चौथा बच्चों संस्कृत बच्चों ठीक है तो बच्चों क्या रमचरित मानस जो आपका है लिखा हुआ अवधि भाषा में दूसरा आपको सही मारना ठीक है अवधि भाषा चलते सुनियो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका है बारहवें दोस्तों ठीक है बारहवा क्या आप समझिए कि गांव के लोग अके अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं दोस्तों ठीक है कोई भी जब औरत बच्चों अकेली रहता है तो उसको डायन कर कैसा व्यवहार करता है बच्चों पहला क्या ऑप्शन आपका अच्छा करता है दूसरा बहुत बुरा करता है तीसरा बच्चों क्या सम्मान करता है चौथा बच्चा आपका सम्मान पूर्वक करता है ठीक है बच्चों सही तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ठीक है बहुत बुरा बच्चों उसके साथ व्यवहार किया था डायन के रूप में ठीक है समझेगा ना तो बच्चों बहुत ही बुरा ही करता स्वर्त में खराब अच्छा तो नहीं करता ठीक है बच्चे चलते दोस्तों तो तो क्वेश्चन आपका तेरह समझेंगे तेरह क्वेश्चन क्या, क्या, क्या समझिए बोरा कि सम्राट अशोक कहाँ के राजा था वो ठीक है बोरा सम्राट अशोक कहाँ का राजा था पहला क्या है कलिंग का दूसरा है मगध का तीसरा कौशल का चौथा है विद्रोह का दोस्तों ठीक है विद्रोह दोस्तों तो बच्चों सही क्या हो जाएगा आपके लिए हो जाएगा दोस्तों पहला ठीक है कहाँ का सम्राट सम्राट अशोक कलिंग का राजा था कलिंग का ठीक है तो कहते कलिंग का आपको सही मानना था ठीक है चौदह सौ क्वेश्चन नंबर आपका है चौदह सौ ठीक है चौदह नंबर क्वेश्चन क्या क्या समझ दो बोरा कि कि पथ पर कितने राही गए थे बच्चों पथ पर कितने राय गए थे आपका पहला आपका है कुछ राही गए थे कि सभी राही गए थे कि अनगिनत राही गए थे चौथा बच्चों को दो राही गए थे बच्चों ठीक है तो बच्चों समझ इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा समझेगा अनगिनत दोस्तों गए थे ठीक है चलते दोस्तों ने पंद्रह सौ समझेगा क्या क्या समझिए बोरा कि जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपने स्थिति जमाता जमाता है तो उसे क्या चुनने की होती है तो पहला क्या दोस्तों आपका घोड़ा ठीक है दूसरा आपका मित्र है तीसरा आपका फैशन है चौथा बच्चों कपड़ा बच्चों ठीक है तो जो क्या चुनने में दिक्कत होता है सबको होता है मित्र दोस्तों मित्र खोने बहुत दिक्कत होता है कोई भी पुरुष को बाहर बोला कि लोहा लेना मुहावरे का अर्थ होगा ठीक है लोहा लेगा मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों ठीक है पहला आपका है मुकाबला करना ठीक है दूसरा से क्या है लोहा खरीदना ठीक है तीसरा से क्या है लोहा बेचना चौथा बच्चों क्या है लोहा का कारोबार करना बच्चों तो क्या होता है लोहा लेना मतलब पहला उसका सही तो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कि मुकाबला करना तो ठीक है बच्चा ऐसे मैं मुहावरा का पूरा सो डिटेल आपका वीडियो दे चुका हूँ चाहे बच्चों खोजिए आप लोग पढ़िए इसको ठीक है तो लोहा लेना के बच्चों जितना है सारे बच्चे मुहावरा का मेरे इंपॉर्टेंट मुहावरे से वीडियो बना चुका है ले लीजिएगा कुछ देख लीजिए आप लोग एग्जाम में पक्का मुहावरा पूछेगा समझेगा लिख लीजिए मैं कोई भी क्लास में पढ़ते आप ठीक है सिक्स सेवन एट नाइन टेन किसी पढ़िए आप ठीक है आपको मुहावरा कंफर्म तो है, तो है कि अगर पूछेगा तो पूछेगा मेरा लिखावट आपके साथ है ठीक है दोस्तों बच्चों वीडियो ज्यादा शेयर कीजिए आप लोग क्वेश्चन दोस्तों आपका सत्रह सो है कि बोला क्या कि देव का परिवाचित शब्द क्या बच्चों देव का परिवाचित शब्द दोस्तों क्या होगा ठीक है तो देव का परिचित शब्द क्या होगा यानी कि ईश्वर दोस्तों क्या होगा ईश्वर समझा देव का क्या होता है ईश्वर बच्चों यानी कि प्रवाचित में दोस्तों होता है क्या तो उसको अलग अलग नाम से और कौन कौन से जानते हैं ठीक है हम लोग देव को ईश्वर के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो ईश्वर बच्चों सही लगाएंगे मुझे तीसरा ऑप्शन सही होगा आपका ठीक है बोला कि कि महान शब्द का विशेष क्या होगा दोस्तों ठीक है विशेष क्या होगा तो महान शब्द का वो क्या होता पहला है पहला ऑप्शन आपका लड़की है दूसरा बच्चों आपका मिठाई है तीसरा बच्चों क्या आपका देश है कि चौथा बच्चों कलम है तो महान देश महान देश तो आप महान देश क्या तीसरा ऑप्शन आपका उत्तर होगा ठीक है महान देश बच्चों होगा ठीक है क्या महान देश ठीक है तो महान के पास क्या लगेगा देश सबका हो जाएगा विशेष होगा दोस्तों ठीक है तो दोस्तों चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का बोल रहे उन्नीस दोस्तों उन्नीस में क्या दोस्तों लास्ट और कोमल शब्द का विलोम होगा बच्चों कोलम शब्द कोमल का बच्चा उल्टा सो क्या होगा ठीक है विलोम मतलब उल्टा होता है उल्टा शब्द दोस्तों ठीक है धरती का उल्टा क्या होता है होता है कि नहीं धरती का उल्टा आसमान होता है कि नहीं तीसरा बच्चा उल्टा लिखना कोमल का उल्टा क्या है पहला ऑप्शन आपका काला होता है दूसरा बच्चों कठोर होता है तीसरा का सरल होता है चौथा ऑप्शन अस्त होता है तो बच्चों क्या होता है इसके सरल कोमल का उल्टा से होता है कठोर बच्चों ऑप्शन दूसरा को सही मारना ठीक कठोर सुनने के नहीं चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट टाइप है बीस नंबर क्या समझिए जो सदा सत्य सद बोलता है उसे एक शब्द में कहते हैं तो जो बच्चा हमेशा सही मतलब मतलब क्या, तो क्या, तो क्या बोलते हैं कि सत्य मतलब मतलब क्या कभी झूठ ही नहीं बोलता ठीक है हमेशा सच ही बोलता है ठीक है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं उसको तो बोलते हैं वक्ता बोलते हैं कि सत्यार्थी बोलते हैं कि वचल वचल बोलते हैं कि सत्यवादी बोलते हैं बच्चों उसका सही हो जाएगा आपका चौथा दोस्तों ठीक है सत्यवादी उसको बोला जाता है सत्यवादी एक शब्द में सत्यवादी ठीक है दोस्तों तो बच्चों कैसा लगा वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक शेयर दोस्तों कमेंट करना ना भूलें जय हिंद जय भारत वंदे माता दोस्तों ठीक है थैंक यू सो मच